बात धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं वो 18 लाख 12 लाख छात्रों के हित में वो खड़ा हूँ जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकार की तरफ से डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने लगभग 18 महीने उन्होंने संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। संक्षेप में इतिहास बोलता हूँ कि 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का कोर्स हमारे भारत के जो अध्यापक हैं वो इस डिप्लोमा कोर्स ले। तो लगभग 12 लाख लोगों ने भर्ती किया, लगभग उनका 18 महीने संपूर्ण हुआ। फिर भारत की सरकार दोबारा ऑर्डर निकालती है ये कहते हुए कि अब 2 वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गया तो इसको हम 2 वर्ष के बराबर हम लेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे। तो इन्होंने भारत सरकार की बात सुनी और वो काम पे लग गए दो। और फिर सुप्रीम कोर्ट 2023 में रूलिंग निकालती है कि नहीं, 18 महीने का कोर्स और 2 वर्ष का कोर्स एक समान नज़र से नहीं देख सकते हैं और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 18 महीने किया है इनको अब हम नौकरी नहीं चलाने दे सकते हैं। तो ये लोग अब कहाँ जाएं? इन्होंने सरकार का इश्तिहार देकर डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए, इन्होंने ही सरकार का रवैया मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया कि नहीं, अब 18 महीने पर्याप्त नहीं है। तो कहाँ जाए? तो मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार, MHRD, शिक्षा विभाग इन बच्चों का संज्ञान ले। लगभग 12 लाख छात्र हैं, काफ़ी ज़्यादा असम से भी हैं, उत्तर पूर्वांचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो इनको न्याय दे। एक गजेट नोटिफिकेशन अगर MHRD निकाल लेगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।